एक और जहां अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में हर कोई का अयोध्या दर्शन करना संभव नहीं है, जिसे देखते हुए साहिबगंज में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर का प्रतिरूप बनाने की तैयारी भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी बजरंगी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि जहां न केवल ये भव्य मंदिर होंगे बल्कि भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। वहीं आयोजन स्थल पर राम से जुड़े कई चित्र के साथ भगवान राम का कथा वाचन होगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। झारखंड के राज्य कलाकार श्याम विश्वकर्मा के देखरेख में कोलकाता के कलाकारों द्वारा इसे किया जा रहा है। बजरंगी प्रसाद यादव ने बताया कि इसका उद्घाटन 15 जनवरी को भारत सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 15 जनवरी से 22 जनवरी तक रोजाना शाम महाआरती होगी। पूरे परिसर में भव्य और भक्तिमय माहौल तैयार किया जा रहा है। झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि वर्षों संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने स्थान जन्मस्थली पर विराजमान होंगे 22 जनवरी को। उसको लेकर देश के नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, वो सभी श्री राम भक्त इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं, और सभी लोग देश के कोने कोने से सभी अयोध्या 22 तारीख के उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। लेकिन देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री इस वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए सभी को आग्रह किया है कि आप लोग अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में दीप जलाकर खुशहाली मनाएं या पूजा पाठ करें। तो उसी को देखते हुए यहाँ साहेबगंज में, झारखंड के साहेबगंज में यह कार्यक्रम रखा गया कि यहाँ पर एक श्री राम अयोध्या का जो श्री राम मंदिर बना है, भव्य मंदिर, उसी का एक छाया कॉपी यहाँ साहेबगंज में भी बनाया जाए, ताकि यहाँ के आसपास के झारखंड के या साहेबगंज के लोग जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए साहेबगंज में एक दर्शन के लिए या पूजन के लिए ये 15 तारीख से 22 तारीख तक इस मंदिर में पूजा और श्री राम कथा या अखंड रामायण कार्यक्रम या महाआरती होगा। ये प्रतिदिन संध्या 5 बजे और 7 बजे तक आरती होगा। तो ये सब कार्यक्रम को रखा गया, और इसी के बनिस्पत आज आप सबों से बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में इसका उद्घाटन 15 तारीख को सुबह 9 बजे केंद्रीय मंत्री आपके माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी आ रहे हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो वर्षों का संघर्ष, जो श्री राम मंदिर के लिए जो कार सेवक लोग जो गए थे यहाँ से, वो कार सेवक जो साहेबगंज जिला के जितने कार सेवक हैं, करीब लगभग 40 से 50 कार सेवक अभी यहाँ हैं, तो उनको यहाँ पर माननीय मंत्री जी के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। तमाम कार सेवक आएंगे, वो 15 तारीख को यहाँ सम्मानित किया जाएगा, और उन लोगों को के साथ साथ तमाम जो यहाँ के श्री राम भक्त हैं, जो लोग पूजा रचना करना चाहते हैं, वो 15 तारीख से यहाँ पर मंदिर का पट खुलेगा और दर्शन भी होगा, पूजन भी होगा, श्री राम कथा भी होगा, रामचरितमानस का अखंड पाठ 22 तारीख तक होगा, और 22 तारीख को यहाँ 11 कुंडिया यज्ञ का व्यवस्था किया गया है, उसमें हवन करेंगे लोग, और यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम जो 22 तारीख को होगा उसका यहाँ डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होगा, जो लोग यहाँ देखेंगे आनंद उठाएंगे, आरती भी होगी, प्रसाद वितरण भी होगा, यह कार्यक्रम भी रखा गया है। जी राम भक्त एवं समाज से भी हमारे बड़े भाई बजरंगी प्रसाद यादव जी ने ऐसा मुझे कहा कि राम मंदिर जिस तरह अयोध्या में बन रही है, उस तरह का प्रारूप क्या आप मतलब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी टीम तैयार हुई, कुछ बाहर से लोगों को भी ने हायर किया, उसके बाद मैंने इस पर काम शुरू किया। ये कांगड़ा शैली में मंदिर का निर्माण हो रहा है, और राजस्थान का जो बलवाही पत्थर है उसको कलर को मैंने ध्यान में रख के इसका निर्माण करके इसमें राम दरबार भी है, और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 35 फीट और 25 फीट ऊंचा, इसमें एक राम श्री राम जी का भव्य कटआउट भी लगा रहे हैं 20-22 फुट का,
जो दर्शकों के लिए आकर्षक होगा, और जो पूजा नहीं कर पाए वहाँ वो जरूर उसका आनंद लेंगे और लगेगा कि मैं अयोध्या में ही हूँ। जय श्री राम। जय।